नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। वाइल्ड लाइफ देखने वालों के लिए भारत में कई सारे नेशनल पार्क हैं जहां जाया जा सकता है, लेकिन कहते हैं हर जंगल के जानवरों की अपनी अलग पहचान होती है। भारत के सभी नेशनल पार्कों में से एक है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलेंगे। यहाँ एक सींग वाले राइनो की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में मशहूर है। यह असम का सबसे पुराना दर्शनीय स्थल है। यह असम के नौगांव जिले में स्थित है। भारत का एक सींग वाला गैंडा ऐसा जीव है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके सबसे ज्यादा दुश्मन है। इस लड़ाई में इनकी जीत की उम्मीद केवल भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। राइनो की परेशानी की असली वजह इसके स्नेआउट पर मौजूद 24 इंच की एक कैरेटिन ग्रोथ है, जिसे हम सींग या हॉर्न कहते हैं। ये कोकिन से भी महंगा है और ब्लैक मार्केट में भी ऊंचे दामों में बिकता है। पुराने जमाने में किसी ने राइनो को एक चलता फिरता अपोथेकरी यानी दवा का भंडार कहा था। ओरिएंटल मेडिसिन में इसकी बॉडी के हर अंग को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड इसकी सींग की है। कई एशियन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि इसके सींग में चमत्कारी शक्तियां होती हैं। दवाइयों के उपयोग के हिसाब से इंडियन राइनो को अफ्रीका और एशिया के दूसरे हिस्सों के राइनो से बेहतर माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये साबित हो गया है कि इसके सींग में कोई विशेष दवाई वाली पावर नहीं होती, लेकिन मान्यताएं नहीं बदलती। दुनिया भर में प्रतिबंध होने के बावजूद भी वियतनाम, चीन और कई दूसरे एशियाई देशों में इनका कारोबार चल रहा है। प्रतिबंधित होने की वजह से इंडियन राइनो की सींग की ब्लैक मार्केट में ऊंची कीमतें हैं। अनुमान है कि ये लगभग $3 लाख पर किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। राइनो हॉर्न की बढ़ती डिमांड से इनके अवैध शिकार में तेजी आई है। इंडियन राइनो का भविष्य अब काजीरंगा नेशनल पार्क पर निर्भर करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बुरा पहाड़ रेंज के रेंज ऑफिसर और उनके आर्म्ड गार्ड की टीम अवैध शिकारियों को पकड़ने के मिशन पर हमेशा तत्पर रहते हैं, जो पहाड़ी के आसपास गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। इस मुश्किल रास्ते पर टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। कितनी अजीब बात है, इंडियन राइनो को उन्हीं इलाकों में रहना पड़ता है जहां उनके सींग को सोने से भी कीमती माना जाता है और उसे एपिलेप्सी, बुखार, स्ट्रोक, इम्पोटेंसी और कैंसर के इलाज में ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।